आदाब नाजरीन, आप बने हुए हैं कश्मीर लाइव के साथ। नाजरीन, कोरोना वायरस के चलते जहां मईशियत बर्बाद हुई, तैलीम मुतासिर हुई और ज़िंदगी की रफ्तार थम सी गई, वही वादी कश्मीर में गुज़िश्ता एक साल से रेलवे सर्विस मुअत्तल है। एक तरफ से जहां रेलवे डिपार्टमेंट को करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है, वही दूसरी तरफ से सैकड़ों लोगों का रोज़गार भी मुतासिर है। बानिहाल से लेकर बारामूला रेलवे सर्विस 5 अगस्त 2019 के बाद करीबन 100 दिन तक मुअत्तल रही और उसके बाद मार्च 2020 में कोरोना की वजह से एक बार फिर से वादी कश्मीर में रेलवे सर्विस बंद है, जिस वजह से लोगों को एक घंटे का सफर 3 घंटे में पूरा करना पड़ रहा है। इसी सिलसिले में आए लोगों से बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। समझिए कि जो भी कॉमन मैन था, चाहे लेबर थे, चाहे मुलाजिम थे, चाहे स्टूडेंट थे, जो ट्रेन बंद है, यहाँ तक कि मुलाजिमों को भी तकलीफ उठानी पड़ती है। जिनकी पोस्टिंग सोपोर से या बारामूला से अनंतनाग में होगी, उन बेचारों को निकलना पड़ता है, सुबह 8 बजे ही निकलना पड़ता है और गाड़ी भी उनको वक्तन फोक्तन नहीं मिल रही है। जब से कोविड-19 चल रहा है वहाँ, तब से दुकानें बंद है, ट्रेन भी बंद है, सब कुछ यहाँ ठप पड़ा है। ट्रेन में बहुत सफ़र आसान होता था और जो गरीब स्टूडेंट्स थे उनको भी बहुत आसान था, इसके मतलब किराया भी बहुत कम है, तो बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसी सिलसिले में आइए बात करते हैं चीफ एरिया मैनेजर श्रीनगर नॉर्थर्न रेलवे साकिब यूसुफ के साथ और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वादी में रेलवे सर्विस कब से बहाल होंगी। ट्रेन सर्विसेज जो है वो हमने मार्च 20 से सस्पेंड कर दी है, कोविड-19 के पैंडेमिक के वजह से ट्रेन सर्विसेज सस्पेंडेड है। अब वी आर रेडी टू रन ट्रेन सर्विसेज एज एंड व्हेन हमें स्टेट गवर्नमेंट से SOPs आएंगे कि क्या SOPs फॉलो करने हैं फॉर social distancing and other such norms. Once we receive those SOPs, train services can be resumed. In इस साल जो last year के January और February में हमारा जो average monthly income था वो करीब 50 लाख के आसपास था। So अब 10-11 months से जो है train services suspended COVID-19 की वजह से, तो 4-5 crore का हमें जो है loss हुआ। नाजरीन, अगरचे मुल्क के कई रियासतों में रेल सर्विस को बहाल कर दिया गया है, ताहम वादी कश्मीर में अभी भी रेल सर्विस बंद है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कब वादी कश्मीर में रेल सर्विस को बहाल कर दिया जाएगा और कब आम लोगों की जिंदगी पटरी पर लौट आएगी। कैमरा पर्सन हिलाल शाह के साथ मैं उर्वतिल उसका स्ट्रीम।